पूरी दुनिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जलवा कायम है। अमेरिका से लेकर मिस्र तक मोदी मोदी की गूंज सुनाई दे रही है। मिस्र ने नरेंद्र मोदी को अपने सबसे बड़े सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से नवाजा है। ये प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया 13वां सर्वोच्च राजकीय सम्मान। मिस्र दौरे के दौरान पीएम मोदी का वहाँ भव्य स्वागत हुआ था। मोदी मिस्र के ग्रैंड मुफ्ती से मिले थे। उन्होंने बोहरा मुसलमानों से भी मुलाकात की थी। उनका हाल चाल जाना था। मोदी से मिलकर प्रवासी भारतीय बोहरा मुसलमान काफी खुश हुए थे। इस साल जनवरी में गणतंत्र दिवस के मौके पर मिस्र के राष्ट्रपति अल सीसी बतौर चीफ गेस्ट भारत आए थे। इसी दौरान उन्होंने पीएम मोदी को भारत आने का न्योता दिया था। भारत से आखिरी बार कोई पीएम सन 1997 में मिस्र की यात्रा पर गया था। ऐसे में 26 सालों में देश की यात्रा करने वाले मोदी पहले भारतीय पीएम। मिस्र में वहां के सर्वोच्च सम्मान से नवाजे जाने पर प्रधानमंत्री मोदी को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खास तौर पर बधाई दी। सीएम योगी ने ट्वीट कर कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मिस्र के सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से विभूषित होना सभी भारतवासियों के लिए गर्व का विषय है। ये पुरस्कार विश्व पटल पर नए भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा के साथ ही प्रधानमंत्री की विश्व राजनेता के रूप में बढ़ रही स्वीकार्यता का प्रतीक है। सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई। बता दें कि मिस्र के अलावा हाल ही में पीएम मोदी को पापुआ न्यू गिनी के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू से सम्मानित किया गया था। इसके पहले उन्हें रूस, बहरीन, मालदीव, सऊदी अरब, यूएई, फलस्तीन और अफगानिस्तान समेत कई देश अपने सर्वोच्च सम्मान से नवाज चुके हैं। इसके अलावा पीएम मोदी को संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च सम्मान चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2018 में ही सियोल शांति पुरस्कार के अलावा गेट्स फाउंडेशन समेत कुछ और विश्व संगठनों की तरफ से भी सम्मानित किया जा चुका है। टाइम्स ऑन भारत डिजिटल की रिपोर्ट।